हम लोग एक स्पेशल तरह के डबल पोल स्विच के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं स्टेयरकेस वायरिंग स्विच और डुअल कंट्रोल स्विच। ये क्या होता है? देखिए, अगर आप अपने घर के ग्राउंड फ्लोर पे हैं और अपने घर की आप सेकंड फ्लोर पे जाना चाहते हैं, तो नीचे से ऊपर जाएंगे ना, और रात का टाइम है और सीढ़ियों से जाना है तो अंधेरा है, तो आप क्या करते हैं, नीचे से स्विच को ऑन करते हैं और छत पे दो मंजिल ऊपर पहुंच जाते हैं, और अब आपको वहीं रात भर रहना है, तो आप क्या करते हैं, ऊपर से ही स्विच को ऑफ कर देते हैं, बल्ब बंद हो जाता है। अब आपको नीचे आना है, तो आपने वहीं से स्विच ऑन किया, नीचे से आके ऑफ कर दिया। मतलब एक अप्लायंस को ऑपरेट करने के लिए दो स्विचेस हमने एक साथ लगा लिए। एक तरफ से ऑफ किया तो दूसरी तरफ से ऑन कर सकते हैं, दूसरी तरफ से ऑन किया तो दूसरी तरफ से ऑफ कर सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी हो। यानी कि एक अप्लायंस को यूज करने के लिए, स्विच ऑफ या स्विच ऑन करने के लिए, अगर हम एक दो स्विचेस यूज करें, तो ये स्पेशल तरह के डुअल कंट्रोल स्विच होते हैं, जिसे हम कहते हैं डुअल स्विच या स्टेयरकेस स्विचेस। इसके लिए जो स्पेशल तरह की वायरिंग की जाती है उसको समझते हैं, और ये स्विच में क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, ये स्विच जो है हमारे नॉर्मल स्विच से थोड़ा डिफरेंट होते हैं। ये जो स्विच होते हैं, ये एक ऐसे स्विच होते हैं जिसमें तीन टर्मिनल्स होते हैं। देखिए, ये एक डुअल कंट्रोल स्विच है जिसमें तीन टर्मिनल्स हैं। जो हमारा नॉर्मल स्विच होता है उसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, मेटल पॉइंट, और इसके बीच में एक मेटल की स्ट्रिप लगी हुई होती है, ये देखिए। लेकिन जो डुअल कंट्रोल स्विच होते हैं इसमें तीन होते हैं। यहां देखिए, दो टर्मिनल थे, यहां तीन टर्मिनल्स हैं, और इन तीन टर्मिनल के बीच में एक मेटल की स्ट्रिप होती है। जैसे मैंने ये चौक रख दी, अब आपने इसको हिट किया तो ये चौक नीचे आ गई, तो आप देख सकते हैं ये चौक नीचे है या ये चौक ऊपर की ओर है। इस चीज को आप समझने की कोशिश करेंगे, इसमें एक ही मेटल स्ट्रिप है लेकिन तीन पॉइंट हैं, तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। इसको और एग्जांपल लेके समझा देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये दो चॉक्स हैं, तो ये एक स्ट्रिप है, तो एक ये स्ट्रिप है यहां पर लगी हुई और एक ये स्ट्रिप है। अब देखिए पॉसिबिलिटी क्या है, ये स्ट्रिप ऊपर की ओर है, ये स्ट्रिप भी ऊपर की ओर है, या स्ट्रिप ये ऊपर की ओर है ये नीचे की ओर है, या दोनों नीचे की ओर है दोनों ऊपर की ओर है। मतलब ये स्ट्रिप यहां वर्कआउट करती है, ये यहां ऊपर है तो ये नीचे भी आ सकती है, हिट करेंगे तो ये ऊपर या नीचे, ये स्ट्रिप इस तरह से आपस में हिलती हैं। तो अब इनका यूज हम करते हैं, तो क्या करते हैं, एक एंड पे हमने एक ये स्विच लगाया, दूसरे एंड पे ये स्विच लगाया। इसकी मैंने तीन सिचुएशन बना के दिखाई है, क्योंकि तीनों के थ्रू एक्सप्लेनेशन देना है, तो दो स्विचेस लगा दिए हमने, एक ये और एक ये स्विच ए, तो ये स्विच बी बोल दिया। इसके बीच में मेटल की स्ट्रिप है, तो मैंने मान लिया ये मेटल की स्ट्रिप यहां पे ज्वाइन है इस समय इन दो पॉइंट्स पे, और इसकी स्ट्रिप इन दो पॉइंट्स पे ज्वाइन है। एक एग्जांपल ले लिया, आप कहीं भी ले सकते हैं, मैंने यहां पे लेके आपको समझाने के लिए बनाया है। इसकी स्ट्रिप इधर ज्वाइन है, इसकी स्ट्रिप इधर ज्वाइन है। अब हम इसके जो ये अपर वाले टर्मिनल है, ऊपर वाले टर्मिनल है, इनको एक वायर से जोड़ देते हैं। ये देखिए, ये वायर से जोड़ दिया, परमानेंटली वायरिंग कर दी इनके बीच में। ऐसे जो लोअर मोस्ट है इनके बीच में वायरिंग कर दी, यानी ये टर्मिनल और ये टर्मिनल एक वायर से जोड़ दिए, और ये बीच का टर्मिनल आपने ऐसे ही छोड़ रखा है। ये अब इसका जो बीच का टर्मिनल है, ये यहां से एक वायर लिया, ये देखिए वायर आ रहा है, इससे ये हमने अपना बल्ब या अप्लायंस लगा दिया, ये हमारा बल्ब लगा हुआ है, और ये वायर इधर से आया और यहां आया, और इसके मिडिल से एक ये वायर ले लिया, हमारी ये वायरिंग पूरी हो गई। इस जो मिडिल से वायर लगाया इस स्विच पे, इसको लाइव वायर कहते हैं, और ये एज ए न्यूट्रल बिहेव करता है। तीनों अरेंजमेंट हम इसी तरह के बना ले रहे हैं, क्योंकि हमें इसमें एक्सप्लेनेशन देना है। तो देखिए, ये एक स्विच, इसके इस टर्मिनल से ये वायर को जोड़ा, ये दूसरे स्विच में, तो ये जोड़ दिया हमने, नीचे के वायर्स को जोड़ दिया, और यहां से ये हमने बल्ब लगा दिया, और यहां से लाए, ये न्यूट्रल हो गया, और ये वाला लाइव की तरह बिहेव करेगा जो इस पे जोड़ा हुआ है। तीसरे वाले में भी देखिए यही काम कर लेते हैं। ये हमारा स्विच, इसके अपर टर्मिनल से ये वायर को जोड़ दिया, नीचे वाले टर्मिनल से इन वायर को जोड़ दिया, और ये मिडिल वाले से लेके ये वायर लाए और ये अप्लायंस पे जोड़ दिया है। ये एक ही अप्लायंस की मैंने तीन सिचुएशंस आपके सामने ड्रॉ की हैं। एक एक करके अब इसको डिस्कस कर लेते हैं, यहां से शुरू करेंगे। देखिए, इस स्विच और इस स्विच में देखें, लाइव से करंट आएगी। आपने स्विच को इस तरह से हिट किया कि इसका ये टर्मिनल नीचे की ओर जुड़ गया और ये टर्मिनल ऊपर की ओर है। मैं एक सिचुएशन लेके चल रहा हूं, यहां से करंट आएगी लाइव से। देखिए, ये लाइव से करंट आ रही है,
इस स्ट्रिप से यहां आएगी, इस वायर से करंट ये आएगी, यहां से ये करंट आती हुई यहां आएगी लेकिन रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां तो गैप है, ये स्ट्रिप तो ऊपर की ओर जुड़ी हुई है, तो सर्किट इनकंप्लीट है, बल्ब ऑफ की कंडीशन में होगा, बल्ब ऑफ की कंडीशन में होगा। एक स्ट्रिप ऊपर की ओर है, एक स्ट्रिप नीचे की ओर है, बल्ब हमेशा ऑफ की कंडीशन में होगा क्योंकि सर्किट यहां पर पूरा नहीं हुआ। अब एक और सिचुएशन देखें, यह भी तो हो सकता है आप कहें मैं ये सिर्फ स्ट्रिप को ऊपर करूंगा और ये स्ट्रिप नीचे होगी, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो चलिए अब की बार हमने स्ट्रिप को ये ऊपर क्यों इसके बजाय हिट किया, ये ऊपर चली गई और ये स्ट्रिप नीचे को आ गई। अब देखिए यहां सिचुएशन में ये पहले ए में स्ट्रिप नीचे थी, इसमें स्ट्रिप ऊपर की ओर थी, तो स्विच ऑफ था, नो करंट, बल्ब ऑफ था। इस सिचुएशन में देखें तो देखिए लाइव से करंट चली, ये लाइव से करंट चली इस स्ट्रिप में आई, यहां से होती हुई करंट यहां आ गई और यहां पे आके रुक गई, फिर भी बल्ब ऑफ रहेगा। क्यों ऑफ रहेगा? सर्किट इनकंप्लीट है क्योंकि करंट आगे नहीं गई। कंक्लूजन ये आया कि एक स्ट्रिप अगर ऊपर की ओर है और एक स्ट्रिप नीचे की ओर है, एक स्विच की स्ट्रिप ऊपर को है अपवर्ड डायरेक्शन में, एक की स्ट्रिप नीचे की ओर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ऑफ की सिचुएशन होगी, बल्ब ऑफ रहेगा, बल्ब नहीं ऑपरेट होगा। अब अगर हम इस स्विच को ऊपर कर दें और ये भी पॉइंट में ऊपर की ओर स्ट्रिप है, तो देखिए क्या हुआ, लाइव से करंट चली, ये देखिए लाइव से करंट इस स्ट्रिप में आई, यहां से इस वायर में करंट आई, यहां से आई इस मेटल स्ट्रिप पे आई और यहां से घूमती हुई बल्ब पे आ गई और बल्ब से होती हुई करंट न्यूट्रल के थ्रू वापस चली गई, बल्ब ग्लो करने लगेगा। ये बल्ब कब ग्लो कर रहा है? जब दोनों स्ट्रिप ऊपर की ओर है, यानी ये स्ट्रिप और ये स्ट्रिप दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में है या दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाए। तो आप अगर इसको हिट करके नीचे कर देते हैं तो ये भी नीचे होना चाहिए, तो भी बल्ब ऑन हो जाएगा। तो कंक्लूजन ये आया कि ये सिचुएशन ऑफ की होती है और ये दो सिचुएशन या ये सिचुएशन ऑन की सिचुएशन होती है। इस तरह से ये सर्किट बनाया जाता है, जैसे हम कहते हैं ड्यूल केस वायरिंग या स्पीयर केस वायरिंग और ड्यूल स्विच सिस्टम। इन दिस वे आपने इस वीडियो में स्विच के बारे में पढ़ लिया, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अर्थिंग। थैंक यू।